हे गाइस, जैसे कि आप जानते हैं एनपीएस है नेशनल पेंशन सिस्टम जो कि एनएसडीएल द्वारा रेगुलेट होता है। तो आज हम जानेंगे एनपीएस के टीयर टू खाते की जानकारी लेंगे हम और इसको अच्छी आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे जनरल इन्फॉर्मेशन की कि आपको टीयर टू खाता खोलने से पहले क्या क्या चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले है कि टीयर वन जो अकाउंट है वो कंपलसरी है एंड शुड बी ओपन बाय ऑल इंडिविजुअल्स हु वांट टू सब्सक्राइब टू द एनपीएस स्कीम। तो जो भी इंडिविजुअल्स हैं जो एनपीएस स्कीम को सब्सक्राइब करना चाहते हैं उनके लिए टीयर वन अकाउंट कंपलसरी है, वो आपको ओपन करवाना ही पड़ेगा। सेकेंड, एनपीएस इज़ ए रिटायरमेंट ओरिएंटेड पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस बाय द इंडियन गवर्नमेंट। एनपीएस एक रिटायरमेंट से जुड़ी हुई पेंशन स्कीम है जो भारत सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है। इससे पहले ये जो स्कीम है खाली गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए थी, लेकिन लेटर यह स्कीम पब्लिक के लिए भी अवेलेबल कर दी गई। एनपीएस टीयर टू अकाउंट के बारे में, तो उसके लिए पहले आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि टीयर वन जो अकाउंट है वो कंपलसरी है न कि ऑप्शनल है। लेकिन जो टीयर टू अकाउंट है वो ऑप्शनल इन नेचर है, विच यू कैन ओपन इफ़ यू हैव ऑलरेडी ओपन ए टीयर वन अकाउंट। यदि आपने टीयर वन अकाउंट एनपीएस का ओपन किया हुआ है तभी आप टीयर टू अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं। और यू कैन विदड्रॉ योर टीयर टू अमाउंट एनी टाइम विद नो एग्जिट लोड लाइक म्यूचुअल फंड। जैसे म्यूचुअल फंड में लगभग एक साल से पहले यदि आप पैसे विड्रॉल करते हैं तो उसमें एग्जिट लोड होता है लगभग 1%। लेकिन यदि टीयर टू अकाउंट में आप डिपॉजिट कर रहे हैं और उनसे उसको विड्रॉ करते हैं तो उसमें किसी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं है और किसी भी प्रकार का आपको चार्ज विड्रॉल के केस में नहीं देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं की बेनिफिट्स ऑफ टीयर टू अकाउंट, की एनपीएस टीयर टू अकाउंट के बेनिफिट्स क्या हैं, हम क्यों टीयर टू अकाउंट को चूज करें। तो नंबर वन है कि नो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। इसको मेंटेन करने के लिए आपको कोई भी वार्षिक चार्ज नहीं देने होते हैं। सेकंड, यू कैन विड्रॉल योर अमाउंट एनी टाइम विद नो चार्जेस और एग्जिट लोड। जैसे कि हमने पहले बात किया कि इसके विड्रॉल में आपको किसी प्रकार के चार्जेस, हिडन चार्जेस, एग्जिट लोड कुछ नहीं देना होता। थर्ड वन, यू कैन इवन ट्रांसफर योर टीयर टू अकाउंट अमाउंट इंटू टीयर वन अकाउंट वैन एवर यू वॉन्ट। जब भी आप चाहें तो अपना टीयर टू अकाउंट का जो आपका कॉर्पस है, जो वैल्यू है, अमाउंट है, वो आप टीयर वन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा फीचर है, शायद आप लोग भी नहीं जानते होंगे इस फीचर के बारे में। नेक्स्ट, नो रिक्वायरमेंट टू मेंटेन मिनिमम बैलेंस। तो इसमें बैंक की तरह कोई मिनिमम बैलेंस करने का जरूरी नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन ही करें। नेक्स्ट, यू कैन नॉमिनेट एन इंडिविजुअल टू रिसीव द अमाउंट अकाउंट प्रोसीड इन केस ऑफ योर डेथ। यदि अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो आप किसी नॉमिनी को नॉमिनेट भी कर सकते हैं, उसके बाद जो पैसा है नॉमिनी को मिल जाएगा। अब इसकी बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की कि टीयर टू अकाउंट जो एनपीएस का है उसके लिए कौन एलिजिबल है। तो यू शुड बी ए रेजिडेंट इंडियन एज्ड बिटवीन 18 to 60 ईयर्स। आप भारतीय नागरिक होने चाहिए और आपकी एज 18 से 60 साल होनी चाहिए। यू शुड हैव ए टीयर वन अकाउंट एंड ए प्रान नंबर अलॉटेड टू यू। तो आपके पास एनपीएस टीयर टू अकाउंट ओपन करने से पहले आपके पास एक्टिव एनपीएस टीयर वन अकाउंट होना चाहिए और आपके पास परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर अवेलेबल होने चाहिए। आपको प्रान नंबर अलॉटेड किए गए हो तभी आप टीयर टू अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं। और मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹1000 टू ओपन अकाउंट। टीयर टू अकाउंट ओपन करने के लिए आपको ₹1000 इनिशियल डिपॉजिट करने पड़ेंगे। उसके बाद अब प्रत्येक ईयर, प्रत्येक साल, फाइनेंशियल ईयर में आप ₹250 के डिपॉजिट के साथ इस अकाउंट को कैरी कर सकते हैं, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि टीयर टू अकाउंट कैसे ओपन करें। तो इसके लिए दोनों ही प्रोसीजर हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन के लिए आपको सिंपली बैंक ब्रांच में जाना होगा और आपको बताना पड़ेगा कि मैं एनपीएस ऑपरेट करना चाहता हूँ, एनपीएस अकाउंट एनपीएस में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो आपको वो कुछ डॉक्यूमेंट्स देंगे और आप वहाँ फिल करके अपना एनपीएस के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन का यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो ऑनलाइन के लिए आपके पास
जो अवेलेबल होना चाहिए, प्रान नंबर अपने पास रखिए। उसके बाद मैंने जो लिंक दिया है https://enps.nsdl, इस लिंक पे क्लिक करें। नीचे जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया हुआ है, इस टैब का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इंटरफेस खुलने के बाद आपको उसमें जो आपको प्रान नंबर जो अलॉट किए गए हैं वो आपको फिल करने होंगे। उसके बाद DDMMYYYY फॉर्मेट में अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, अपना पैन नंबर फिल कीजिए और कैप्चा को फिल कीजिए। उसके बाद आपका प्रान नंबर वेरीफाई किया जाएगा एंड यू विल बी अलाउड टू मेक ए डिपॉजिट टू ओपन ए टीयर टू अकाउंट। आपको एक इनिशियल डिपॉजिट करने के लिए अलाउ किया जाएगा। देन मेक द मिनिमम डिपॉजिट ऑफ ₹1000 एंड नाउ योर टीयर टू अकाउंट इज एक्टिव। उसके बाद आप ₹1000 की पेमेंट करेंगे, मिनिमम ₹1000 की कर सकते हैं, मैक्सिमम तो आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका टीयर टू अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। अब बात करते हैं विड्रॉल एंड क्लोजर ऑफ टीयर टू, कि विड्रॉल एंड क्लोजर कैसे होगा। तो विड्रॉल मैंने पहले बता चुका हूँ मैं कि विड्रॉल के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, आप अपना सारा कॉर्पस भी निकाल सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस। तो ये सेम है, टीयर टू एनपीएस अलाउ यू फ्री विड्रॉल्स यू वॉन्ट, आपकी चाहत के अनुसार, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप एनपीएस टीयर टू का पैसा कभी विड्रॉल कर सकते हैं, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। देन प्रीमेच्योर क्लोजर इज हाउ नॉट अलाउड इफ़ टीयर वन अकाउंट इज एक्टिव। यदि टीयर वन अकाउंट एक्टिव है तो प्रीमेच्योर क्लोजर इसका अलाउड नहीं है। और यदि आप अपना टीयर वन अकाउंट क्लोज करा देते हैं तो टीयर टू अकाउंट जो आपका है वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा और आपका जो वैल्यू है वो पूरा लमसम में आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप एनपीएस टीयर टू अकाउंट के बारे में काफ़ी जाने होंगे और आपकी नॉलेज इनरिच हुई होगी। यदि ऐसा आपको लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।